नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के एसएमएस 2 में एक शानदार पानी का फव्वारा निर्झर उद्घाटित। आरएसपी के ओएचएससी में विश्व किडनी दिवस का पालन। और आरएसपी द्वारा बिसरा जोन के दलपोष गांव में संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में आरएसपी के सीईओ श्री अश्विनी कुमार द्वारा 9 मार्च 2018 को एक शानदार पानी का फव्वारा निर्झर का उद्घाटन किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री शुभेंद्र दास, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल, प्लांट के कई महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। आकर्षक फव्वारा में शानदार कलाकार्य के साथ विभिन्न कोणों से फव्वारा छोड़ने के लिए जल जेट्स हैं, जो मध्य के एक केंद्र में मिलता है। यह उन कर्मचारियों के तालमेल का प्रतीक है जो प्लांट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी क्षमता से परे लगातार प्रयास कर रहे हैं। 11 मीटर वृत्ताकार रिंग पाइप पर 135 पानी नलिकाओं को लगाया गया है, जिससे जल का छिड़काव होता है और इससे निकलती छोटी तरंगों के मधुर ध्वनि दर्शकों के दिमाग को सुकून पहुंचाती है। इसकी कूलिंग प्रभाव और फव्वारे से निकलने वाली झरझर मनभावन आवाज औद्योगिक सेटअप पर तनाव दूर करने का काम करेगी। फव्वारे के नीचे 150 बांस से एक सुंदर कलात्मक तरीके का पर्दा बना हुआ है। कई मौसमी लताएं लगाई गई हैं, जो आने वाले दिनों में रंगीन मौसमी फूलों के साथ बांस के ढाल को सजाए रखेगा। यह परिसंचरण पानी प्रणाली के साथ सजावटी संरचना जगह को और अधिक सुखद एवं आकर्षक बना दिया है। इस यूनिट में एक पंप हाउस, रेत फिल्टर और सुंदर फवारा क्षेत्र है। इसके सभी सहायक उपकरण अप्रयुक्त और बचे हुए मशीन के उपकरणों को लेकर तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि फव्वारा एसएमएस 2 विभाग के मेहनती कर्मचारियों की एक अद्भुत रचना है, जिन्होंने इसे इन हाउस संसाधनों के उपयोग से बनाया है। सिविल इंजीनियरिंग सेवा एवं हॉर्टिकल्चर विभाग ने फव्वारा को बनाने में सहयोग किया है। गौरतलब है कि आरएसपी लगातार स्टील प्लांट के अंदर हरा एवं सुरुचिपूर्ण आकर्षक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि कर्मचारियों को एक सुंदर और सौहार्दपूर्ण काम का वातावरण प्रदान किया जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत सजावटी पौधों और फव्वारा के साथ कई खूबसूरत बगानों को विकसित किया गया है और पूरे प्लांट में छायादार मार्ग के लिए पेड़ लगाए गए हैं। ओएचएससी में 8 मार्च को विश्व किडनी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसपी के विभिन्न विभागों से 30 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। किडनी एवं महिला स्वास्थ्य, मूल्य सशक्त, इस कार्यक्रम का विषय था। इस विषय पर आईजीएच के औषधि विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज कुमार राउत ने मानव शरीर में गुर्दे के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान अन्य विषय जैसे किडनी की देखभाल, रोकथाम और गुर्दा रोग के परिणाम शामिल थे। डॉक्टर राउत ने गुर्दा की समस्याओं के शुरुआत को कम करने के लिए रक्तचाप, रक्त की मात्रा के परीक्षण, आहार नियंत्रण और नियमित अभ्यासों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रारंभ में डॉक्टर टी मिश्र ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताया और ओएचएससी की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। ओएचएससी के सहायक प्रबंधक श्री आर के त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी द्वारा बिसरा ब्लॉक के लिए 5 से 9 मार्च तक
आरएसपी के आदर्श इस्पात ग्राम दल पोष में संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। आरएसपी के महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री एन के सामंतराय समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि उप महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर श्री बी पीएम बेहरा सम्मानित अतिथि थे। अतिथियों ने टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। आरएसपी के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं ब्लॉक के प्रतिष्ठित व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। बिरिंगाझर गांव की टीम को टाई ब्रेकर में कुकुड़ा गांव के टीम को 5-3 से हराकर टूर्नामेंट में चैंपियन रही। जमाल गांव और डुमरता गांव की फुटबॉल टीम क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रही। चैंपियन टीम को 6,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि रनर्स अप टीम ने 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्राप्त किया। तीसरे और चौथे स्थान पर रही टीम को क्रमशः 4,000 रुपये और 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 व्यक्तिगत पुरस्कारों में 500 रुपये और एक स्मृति चिन्ह शामिल था, जिसे डुमरता गांव के श्री दीपक सोरेन को श्रेष्ठ स्कोरर, कुकुड़ा गांव के श्री छोटू ओराम को श्रेष्ठ डिफेंडर, जमाल गांव के श्री बाबूलाल महातो को श्रेष्ठ गोलकीपर और बिरिंगाझर गांव के श्री मनोज ओराम को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरस्कृत किया गया। टूर्नामेंट के 3 रेफरी को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। बिसरा ब्लॉक के गांवों से 32 टीमों ने टूर्नामेंट में उत्साहपूर्वक भाग लिया और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में फुटबॉल प्रेमियों ने मैच देखा। कार्यक्रम दलपोष गांव के सुमन स्वयंसेवी ग्रुप द्वारा आरएसपी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। दलपोष के पूर्व सरपंच श्री फिकू तिर्की कार्यक्रम के उद्घोषक थे। सीएसआर की वरिष्ठ प्रबंधक श्रीमती अनंदिता महापात्र एवं उनकी टीम ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि इसी तरह का टूर्नामेंट आसपास ब्लॉक में भविष्य में आयोजित किया जाएगा। पार्श्वांचल क्षेत्रों में सामग्रिक विकास लाने में योगदान देने हेतु सीएसआर पहल के तहत आरएसपी द्वारा संवर्धन स्पोर्टिंग टूर्नामेंट प्रारंभ की गई है। ग्रामीण युवाओं के बीच खेल और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा उद्यमान प्रतिभाओं को प्रकाश में लाना इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है। हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।